अच्छा जी, लेट्स सी, बताइए मुझे क्या है ये, किस तरह से बनेंगे? ओके, हमारे पास हैं बैंगन जिनको ठीक हमने है, गोल गोल स्लाइस कर लिया है। ओके, आप बैंगन करना चाहते हैं या आप मसाला बनाना चाहते हैं? जो आप बताएं, मैं मसाला भी बना सकता हूँ, बैंगन आप भी कर मसाला सकता। बनाएं, ओके ठीक है, इस पैन में, और इस पैन में कुछ भी नहीं करना, हम सिर्फ पैन के अंदर शैलो फ्राई करेंगे गोल कटे हुए बैंगनों को, ओके ठीक है, और आप मसाला बनाएंगे, पहले आप डालेंगे थोड़ा सा प्याज। प्याज, ओके जी, करेक्ट, मैंने डाल दी प्याज। प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होगा, उसके अंदर आप डालेंगे, खड़ा खड़ा बनाना है हमने, खड़ा खड़ा बनाना है, ओके खड़ा खड़ा, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको हम थोड़ा तेज कर सकते हैं चूल्हे को? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई थिंक वी शुड वर्क विद फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। ओके ठीक है, ठीक है जी, प्याज डाल दी। अब प्याज डाल दी, प्याज जैसे ही ट्रांसलूसेंट होगा इसके अंदर आप डालेंगे टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, और आई एम जस्ट थिंकिंग कि शायद इसकी ज्यादा आँच होगी। मे बी, ओके ठीक है जी, ओके प्याज के बाद टमाटर और उसमें आँच, ये इतनी काफी है या और? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्याज के अंदर टमाटर, टमाटर, हरी मिर्च। अच्छा, मैंने प्याज के साथ साथ हरी अदरक मिर्चें लहसुन, डाल दी हैं, अदरक लहसुन जो, ओह वाह, खुशबू आना शुरू हो गई है। और ये अदरक लहसुन जो है ये पीस के हमने यहाँ पर रखा हुआ था, मैंने इसके अंदर वो भी ऐड कर दिया है, ठीक है ना? एब्सोल्युटली, ओके ओके, अब इसमें टमाटर डालने हैं। यप, और इसके अंदर आप नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, जीरा, जो नॉर्मल हमारे मसाला जाते होते हैं, एग्जैक्टली, जो आप मसाला ट्राई। ओके जी, ओके जी, हियर वी गो। थोड़ा सा मैं नमक ले रहा हूँ, जाहिर है हसबे जायका नमक जो है वो डालना होता है, तो मैंने हसबे जायका नमक डाल दिया इसके अंदर। मिर्चें मैं चूंकि ज़्यादा खाता हूँ इसलिए मैं इसमें मिर्चें ज़्यादा ही डालूंगा, आपकी मर्जी है, इफ़ यू वॉन्ट टू ईट लेस देन यू कैन। थोड़ा सा धनिया, बिल्कुल, बेसन के साथ बन रहे होते हैं, इट्स अ गुड वे कि आप सब्जी इंटीग्रेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ईटिंग बेसन। यार आप प्लीज ये चेक तो कर लें जो मैं बना रहा हूँ, यार प्लीज, आप शेफ, आप मेरी तारीफ ही नहीं कर रही हैं। सो गुड, ओह इट स्मेल्स रियली यमी, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, सो एरोमेटिक, इसके अंदर थोड़ा सा अगर धनिया भी डाल दें, ये लिटिल बिट, या और लीव सम फॉर गार्निशिंग। ओके ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, because I think you're almost done, we wanted to stay like that. What we're going to do is ki hum isko layers pe assemble karenge, theek hai, layers pe assemble karenge, layers mein assemble karenge, wahan pe hamare paas dahi hai aapke barabar mein, okay, yahan pe mere paas baingan hai, 2 minute le lijiye taki main isko khatam kar lu, 2 minute le lijiye ji, bataiye how do I do this? Okay, so main baingan dalungi, aap uske upar apna masala dalenge aur fir hum dahi dalenge, yes, okay. Am I doing it right? Yep. बिल्कुल ऐसे ही है। डाल दीजिए। Okay. And now some dahi on top. And इस तरह आप layers build कर सकते हैं, like a fruit trifle or you know. And that's it. Basically इसकी तहें आप set करने लगे हैं। Okay. इसमें दही जो है वो इस तरह से डलेगा। Yeah, I think I should remove the pan out of the way. Am I right? Yep. ठीक है? बिल्कुल, थोड़ा सा और डाल दें। थोड़ा सा और? हाँ, मतलब दही बड़े हैं ना, तो you should have lots of food. Cover it completely. We'll do another layer. Okay. हमारे पास time नहीं होगा दूसरी layer का, but that's okay. That's all right. We can do a layer just for the vegetable. Okay. And then just top with the vegetables. Yep. इसके साथ top कर दें और इसपे इमली की चटनी डालें और चाट मसाला डालें। गिर जाएगा, जरा उठा लीजिएगा। Thank you. Wow, this is really nice. Look at this, ji. Look at this. Just look at this. इसको हटाइएगा यहाँ से. इसको मैं यहाँ रख देता हूँ. Look at this. This is बैंगन का क्या? बैंगन के दही बड़े. यार तालियां तो बजा. बैंगन के दही बड़े. It's very nice. बैंगन के दही बड़े वाकई अच्छे हैं. आप मेरे साथ आ जाइए. आपने ज़ूप नहीं किया आज. Ah, so sorry. मैंने एक्चुअली क्लीन अप ज़ूप से करना था. अच्छा जी. Okay, here we go. 99.99% जरासीम जो है उसका खात्मा जो है लाइफ बॉय कर देता है, लाइफ बॉय एक्टर सिल्वर। 10 सेकंड आपको चाहिए होते हैं, 10 सेकंड के अंदर अंदर ये आपके जरासीम का बिल्कुल खात्मा कर देता है। जब भी आप किचन में या कहीं और हो, आपको अपने हाथ साफ करने, तो याद रखिए लाइफ बॉय इज़ द ओनली नेम दैट यू शुड ट्रस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।